खबर हल्द्वानी से है, जहां महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर भारतीय मानव अधिकार परिवार संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका सक्सेना के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि आए दिन लड़कियों व महिलाओं के गायब होने की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह की घटनाओं से सामाजिक भय उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारतीय मानव अधिकार परिवार संज्ञान लेकर प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मामला ये है कि हम पिछले कुछ महीने भर हो गया इस चीज को हम तलाश कर रहे हैं। एक लड़की की मेरे पास एप्लीकेशन भी आई है कि लड़कियाँ शहर से गायब हो रही हैं, और चाहे वो लड़कियों की उम्र लगभग है वो 16, 15, 18 से कम, यानी नाबालिग। मानवाधिकार की तरफ से मुझे अलका जी ने एक इसमें ज्ञापन भी दिया है और कार्रवाई के लिए भी कहा है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि यहाँ पर कुछ जो बालिकाएं हैं शहर की, उनको गुमराह करके उनको देह व्यापार की तरफ ढकेला जा रहा है। तो उसके बारे में उनके पास साक्ष्य भी हैं, तो निश्चित ही एक ये गंभीर विषय है।